हेलो ऑल, वेलकम टू ब्रो बिलियनियर में आपका स्वागत है। दिस वीडियो विल बी एजुकेशनल वीडियो इन हिंदी एंड इंग्लिश। सो द टाइटल ऑफ वीडियो इज हाउ इन अ बेयर मार्केट आई मेड 10x इन 3 डेज। ओके, सो दिस इज विथ ऑप्शन, मतलब ये ऑप्शन ही मैंने किया था, बट इट वॉज स्मॉल इन्वेस्टमेंट बट बिग रिवॉर्ड। ओके, दैट वॉज द मेन स्ट्रैटेजी बिहाइंड दिस। ओके, सो वी विल डिस्कस 5 पॉइंट्स हियर। हम लोग 5 पॉइंट में डिस्कशन करेंगे। So at that point of time, I had all these things in my mind. So for this video, I have written down it on the paper. ये मैंने paper पे लिख दिया आपके लिए। First is finding the patterns. You have to find the patterns, whether it's a rising wedge, falling wedge, triangle, rectangle. So such kind of patterns you need to find. You need to define entry levels and targets. Second point, right? So and third point is risk reward. So you need to know how much you are going to risk and how much reward you are going to get. ओके, इफ दैट इज़ नॉट डिफाइंड देन यू आर बाउंड टू लूज एवरीथिंग। आपका सब चला जाएगा अगर रिस्क टू रिवॉर्ड आपका प्रॉपर नहीं है। यू नीड टू रिमेंबर दैट यू शुड नॉट कीप बिगर स्टॉप लॉस एंड लेस टारगेट्स। यू शुड हैव लो स्टॉप लॉस एंड बिग टारगेट्स। सो दैट इज द आइडिया। ओके, सो द फोर्थ पॉइंट इज एग्जिट स्ट्रैटेजी, व्हेन यू वॉन्ट टू एग्जिट। ओके, एग्जिट स्ट्रैटेजी इज फॉर समवन हु वॉन्ट टू होल्ड टिल द लास्ट। ओके, मतलब एंड तक निचोड़ लेना है मार्केट को, एंड तक रुकना है, एंड देन यू वांट टू एग्जिट एट द वेरी मच बॉटम। सो वी विल डिस्कस दैट एज वेल। एंड लास्ट पॉइंट इज डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रैटेजी, राइट। सो ये स्ट्रैटेजी बोल सकते हो, या फिर ये जो हमने डिस्कशन कर रहे हैं इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। सो द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। सो हियर अराउंड एट द टॉप ऑफ 18,360 something, I had identified that it is going to fall. Okay, so and it did fall. So this is a rising wedge pattern along with the divergence. It works very well. So in the falling market, I had identified that it has come up to some certain level, and from there I was expecting a fall. So ये एक pattern मैंने identify किया था, और ये एक actually Elliott wave theory के हिसाब से भी मैंने identify किया था। हम लोग discuss करेंगे बाद में। Then this was the opportunity I made a little bit in the beginning, but I missed the entire fall. So that is the first thing that clicked me to look back and find such patterns, and if that patterns comes next, then I'll be grabbing that opportunity. मतलब आगे अगर ये ऐसा pattern मुझे मिला फिर से, तो मैं ये opportunity miss नहीं करूँगा। But हाँ, मतलब दो time मैंने miss किया था। ये पहला time था, और second time यहाँ था 17,800 के पास। Initially made good until this point, then I thought it will take support and I exited my trade here. So that is the second case where I failed to hold till the last. ये second case है जहाँ पर मैंने complete hold नहीं किया down जाने तक। ये बहुत नीचे गया था। यहाँ इस केस में 18,400 से वो 16,410 पे गया था, right? इतना बड़ा fall आया था और पूरा miss कर गया था rally में। मेरे पास option था, वो 90 rupees से 1200 rupees तक गया था, but मैंने 90 rupees से 140 something के पास मैंने exit मार दिया था। No. मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड इतना नहीं था, तो मेरे को इतना भी नहीं पता था कि इट विल गो दैट मच डाउन। सो दैट्स व्हाट वी नीड टू डिसाइड आवर स्ट्रैटेजी। लेट्स चेक द नेक्स्ट। सो दिस इज अ वेज पैटर्न एज पर द एलियट वेव थ्योरी। इट इज फाउंड एट द टॉप ऑफ द ट्रेंड। सो इफ देर आर 5 वेव्स, देन इन 5th वेव इट इज फाउंड। सो दिस पैटर्न वी डिस्कस्ड वेरी मच इन डिटेल इन मेनी सच वीडियोज। सो इफ this pattern is found at the with the divergence at the top of trend, then there is a fall definitely. So this works in inverse way as well. So at the bottom of the trend also you will find such pattern. After that this breaks out and MACD or RSI will form the divergence as well here, right? So this works at the bottom as well. So inverse is also true. ये उल्टा भी चलता है काम। So दोनों वे में find कर सकते हैं। नीचे भी जा रहा है market और bottom में इसको ये pattern मिल गया आपको, तो यहाँ पे भी आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। सो हाँ, फाइंडिंग सच पैटर्न्स इज द की। यू कैन फाइंड द ट्रायंगल्स फॉलिंग ऑन द डाउन साइड। सो प्रीवियस ट्रेंड इज डाउन साइड, द कंसोलिडेशन, देन द फॉल रिज्यूम्स। सो इन केस ऑफ फ्लैट करेक्शन, दिस इज इवन फ्लैग, बट या दिस इज रेक्टेंगल, प्रीवियस ट्रेंड इज अप, बाद में भी ऊपर जाएगा। अगर पहले नीचे से ऊपर आया और फिर रेक्टेंगल बनाया है, तो उसके बाद भी ऊपर जाएगा। सो ये पैटर्न्स है, दिस इज हाउ यू शुड फाइंड द पैटर्न। सो दैट कंप्लीट्स आवर फर्स्ट पार्ट, फाइंडिंग योर पैटर्न्स। सो नेक्स्ट इज
how to define entry and exit. So here you can see that the third time it gave me opportunity. So this is the where I grabbed that opportunity. So around 17,640 levels, I had a view that it is going to fall from that level because there was a negative divergence and my pattern was available here, right? So these were the two triggers for me. Second, it was at the lower end of the channel. Okay, so ये मेरे कुछ एंट्री क्राइटेरियाज थे तो जिसके वजह से मुझे पता चल गया. और इसमें एंट्री लेने के टाइम पे मैंने ये सोचा था कि मैं नेक्स्ट एक्सपायरी लूँगा, बिकॉज हियर यू कैन सी दैट एक्सपायरी ऑप्शंस वोंट गिव यू मच इफ इट डजेंट वर्क इन योर वे. हियर रिस्क वॉज ऑल्सो स्मॉल, अराउंड 17,600 लेवल्स निफ्टी वॉज ट्रेडिंग एंड आई हैड टेकन द पुट ऑफ 17,000. आप देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस मैंने लिया नीचे साइड पे, राइट? सो दैट इज द पॉइंट व्हाट यू वांट टू एंटर व्हेन यू वांट टू एंटर. एंड टारगेट्स मेरे क्या थे, मैंने टारगेट डिसाइड किए थे 3x और 10x मैं ये ग्रैब करूँगा. मैंने 20 रुपीज़ पे ऑप्शन लिया था, मेरा 60 का टारगेट था और 200 का टारगेट था, तो मैंने दो लॉट लिए थे, मेरे ये दो टारगेट्स थे. सो ये हो गया एंट्री और एग्जिट्स. सो दिस इज हाउ आई हैड डिफाइंड माई एंट्री एंड एग्जिट्स. ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने ऑप्शन लिया था, वेंसडे को ऑप्शन लिया था. सो आप देख रहे हो यहाँ पे कि दो लॉट लिए हैं 21 रुपीज़ पे, एक लॉट 53 पे एग्जिट किया और एक लॉट 200 पे एग्जिट कर लिया. सो दिस हाउ आई मेड 10x. आप सोच रहे होंगे सर क्या है, दस एक लॉट लिया है, 200 रुपये लिए और इतना बड़ा वीडियो बना दिया. सो यही है वीडियो के आप पेपर वर्क करें थोड़ा and decide your strategy, then only you will be able to hold the trade. Otherwise you would end up exiting the trade somewhere let's say 50 rupees, 60 rupees, 2x 3x बन गया और आप exit कर दिए. But आप longer trade में तभी रुक सकते हैं जबकि आपके पास plan हो, strategy हो, right? तो यही advice है इस particular video की, मतलब यही particular thing है इस video में. आगे देखते हैं कि आफ्टर फॉर्मिंग दैट पैटर्न इट हैड ब्रोकन दिस ट्रेंड लाइन. सो दिस वाज ऑन फेब्रुवरी 10th, इट वाज वेंसडे. एट द एंड ऑफ द डे आई हैड सीन दैट दिस इज गोइंग टू फॉल फॉर श्योर, दिस वाज माय आइडिया ऑन दैट डे. सो इट डिड फेल. सो दिस इज हाउ इट ओपनड गैप डाउन एंड यू कैन सी हियर आफ्टर फॉर्मिंग दैट वेज इट हैड गिवन द डायरेक्ट गैप डाउन ओपनिंग नियर 17,300 लेवल्स. सो ऑन दैट डे at the second half you can see it gave retracement but it didn't cross 0.38 to Fibonacci. When you plot Fibonacci on these numbers you get 0.38 to Fibonacci, means 40% it recovered but then it didn't sustain. Agar ye iske upar sustain karta to shayad main trade udhar hi exit kar deta, right? So that was my idea, because then it would be not much bearish case if it goes beyond 0.38 to Fibonacci, and I had a view that it is going to go downside. So this was I think somewhere around 2:15 के पास ये मैंने डिसीजन लिया था कि ये और नीचे गिर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये ड्रॉप कर रहा था नीचे 0.32 फिबोनाची से. सो या बेस्ड ऑन दिस व्यू अगेन आई टेकन अनदर ट्रेड एक्चुअली. ओके, अराउंड 3:30 आई हैड सीन दैट इट इज़ फॉर्मिंग शूटिंग स्टार पैटर्न ऑन डेली चार्ट. ओके, ये डेली चार्ट पे आप देख रहे हो कि शूटिंग स्टार बन रहा है, तो ये यहाँ से नीचे गिरेगा, ये मेरा आइडिया था. सो या सो यू नो दैट, राइट? यू नो सच पैटर्न. सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट आई मिस द ट्रेड, इवन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट आई मिस द ट्रेड. सो आई वॉन्टेड टू ग्रैब दिस ट्रेड. ओके, दिस वॉज अनदर लॉट दैट आई हैव टेकन एंड आई एग्जिटेड एट 380 समथिंग. ओके, आफ्टर दैट इवन इट वेंट टू 480. बट या दैट्स वेयर वी आर गोइंग टू सी हाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड द रिस्क रिवॉर्ड एंड एग्जिट स्ट्रैटेजी. थर्ड पॉइंट इज रिस्क रिवॉर्ड. सो फॉर मी वॉट वॉज माई इन्वेस्टमेंट हियर, 2,000 रुपीज़, राइट? सो ये दो लॉट मैंने ले लिए, दो लॉट लिए इनटू 21, दैट बिकम्स 2,100. ये मेरा रिस्क था, तो मैं जानता था कि अगर मेरा गया तो इतना पैसा पूरा जाएगा. इफ़ माय एनालिसिस गोज रॉन्ग, दिस वाज द अमाउंट दैट आई लूज. सो ये मुझे पता था, राइट? देन व्हेन आई हैड कन्फर्मेशन आई हैड टेकन अनदर लॉट रिस्क, इस पॉइंट पे लिया था मैंने अराउंड 3:30 के पास में, जब मैं श्योर था कि यहाँ से ये गिरने वाला है और नीचे, राइट? सो दिस वाज द रिस्क एंड रिवॉर्ड पॉइंट नंबर 3. अभी हम लोग डिस्कस करते हैं फोर्थ पॉइंट एग्जिट स्ट्रैटेजी के ऊपर. सो द फोर्थ पॉइंट एग्जिट स्ट्रैटेजी इज इफ यू वांट टू स्टे टिल द एंड, ओके, देन यू नीड टू आइडेंटिफाई अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस ऑन 15 मिनट चार्ट
of MACD. So during this particular fall, I had identified that whenever there was a positive divergence on MACD, it was an exit signal. So here you can see, first you need to form a positive first low, and then there is a second low, and MACD line should give crossover. So that is the exit strategy that I have decided. So during this fall, you could see here, after divergence it went up, after this divergence it went up. So that is the exit strategy. But yeah, I didn't stick to it, but yeah, I'll remember this next time whenever it is going to happen. Okay, fifth point, what are the advantages and disadvantages of this strategy? So disadvantages, it's a slow poison, means every time if you are identifying it, aap jab bhi identify karo aur aapke favor mein na jaye trade, to it's a slow poison. Slowly slowly 2000-4000 jo bhi aap apna risk le rahe ho utna aapka loss hota jayega. So ye slow poison hai, ye aapko dhyan rakhna hai. आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है आपका अगर एनालिसिस रॉन्ग गया. ये मेजर डिसएडवांटेज है, हर स्ट्रेटजी में ये रहता है. सो या अगेन, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस. आई एम नॉट एनकरेजिंग यू टू ट्रेड टेक अ ट्रेड एज फ्यूचर एंड ऑप्शंस आर वेरी डेंजरस. इट योर एंटायर कैपिटल विल बी वाइप्ड आउट इफ यू आर गोइंग रॉन्ग, राइट? सो व्हाट इज द एडवांटेज? एडवांटेज इज दिस विल रिड्यूस द ट्रेडिंग. ओके, आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे. हम लोग ओवर ट्रेडिंग करके ब्रोकर को बड़ा बनाते हैं, राइट? हर छोटे मूवमेंट पे ऑप्शन पे बाय कर लेते हैं या फ्यूचर बाय कर लेते हैं, और ओवर ट्रेडिंग करके ब्रोकरेज का पैसा ट्रेडर को बड़ा बना देते हैं, खुद नहीं बड़े बनते, राइट? सो ये आपको ध्यान में रखना है. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट यू डोंट हैव टू ओवर ट्रेड. इफ़ यू ओवर ट्रेड एवरी सिंगल कैंडल, देन यू विल बाउंड टू लूज. यू विल मेक प्रॉफिट, बट मोस्ट ऑफ द चंक ऑफ दैट प्रॉफिट विल गो इन टू टैक्सेस एंड ब्रोकरेज. ओके, राइट? सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर trade. But yeah, and another advantage, if your strategy work, you will make very big, right? You will make very big on small investment. So that is the idea. So this was the small video on how you should work on your strategy and decide how you want to find the patterns and how you want to trade these patterns. So that's all for today. See you in another video. Thank you. Have a great day. Bye bye.